नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जिसका नंबर है 4/2018/2018, जिसमें उन्होंने ग्रुप डी से रिलेटेड काफ़ी वैकेंसियों का पटारा ओपन किया है। जो ग्रैंड टोटल वैकेंसीज है उसके बारे में मैं एक नज़र डालना चाहता हूँ। 18,218 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है, तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन आप सभी को पता चल गया है कि 26/8/2018 है, ठीक है, यानी आज रक्षाबंधन के दिन ये आपको तोहफा दिया गया है। उसके बाद ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 तारीख से ये शुरू हो जाएंगे, 29 अगस्त से यानी ये शुरू हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट है 18/9/2018 को इसकी क्लोजिंग डेट है, रात 12 बजे से पहले पहले। इसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फीस जो वो 21 सितंबर डेट रखी गई है। इसके अलावा जो मुझे आपको बताना है इसमें, तो मैं वो भी आपके सामने बता देता हूँ कि टोटल वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज टोटल दी गई हैं, जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये देखिए, तो कैटेगरी जनरल में इन्होंने टोटल 8,312 वैकेंसीज दी हैं, एससी में 4,245 वैकेंसीज टोटल दी है इन सबको इंक्लूड करके। इसके अलावा जो बीसीए बीसीबी है उस पर भी एक नज़र मार लेते हैं। तो बीसीए में दी है 3,345 और बीसीबी में दी है 2,316। और जो पीडब्ल्यूडी यानी जो टोटल सीट है उसका 4% दिया गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये मैं बता देता हूँ। मैट्रिकुलेशन मांगी है यानी 10वीं मांगी है उन्होंने, और आप में हिंदी या संस्कृत 10वीं में मैंडेटरी है, कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो एज पीरियड है वो 18 से 42 साल तक का है, और जो रिलैक्सेशन ऑफ एज है तो वो आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद पे स्केल की बात करें तो 16,900 से 53,500 का पे स्केल है। इसके बाद हम आगे की बात करें, जो बताने लायक है वो है डिटेल ऑफ फीस। तो जनरल के लिए जो फीस रखी गई है मेल और फीमेल के लिए 100 रुपये, और जो हरियाणा रेजिडेंट है उनके लिए फीमेल के लिए 50 रुपये। SCBC कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट के हैं जो मेल के लिए 50 रुपीज़, फीमेल के लिए 25 रुपीज़, और जो फिजिकली हैंडीकैप या एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा है तो नो चार्जेस उनसे लिया जाएगा, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। क्रिटेरिया ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन, तो सिलेक्शन जो एग्ज़ाम का होगा वो 90 नंबर का एग्ज़ाम आएगा, और 10 नंबर आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलेंगे एंड एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलेंगे। जो 90 नंबर का एग्ज़ाम आएगा उसमें जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा 75% जो वेटेज दी जाएगी वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी को दी जाएगी, और 25% जो वेटेज दी जाएगी वो दी जाएगी हरियाणा से रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक, इन्वायरमेंट, कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। जो आपको 5 मार्क्स जो सोशल इकोनॉमी के 10 मार्क्स बनेंगे उसमें इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, कि जैसे पहला 5 मार्क्स है तो वो आप ले सकते हैं जब अगर आपके घर से कोई भी पर्सन गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, आपका भाई, आपके फादर, आपका हस्बैंड, जो भी आपसे रिलेटेड है, अगर वो सेंट्रल और गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है, ये 5 नंबर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा ऑर्फन या विडो, अगर या तो आप अनाथ हो या आप विडो हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप इन ट्राइब से बिलोंग करते हो, जैसे विमुक्त जाति, टपरीवास जाति, इन जातियों से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये जनजातीज़ हैं हरियाणा में बनाई गई हैं नोमैडिक जाति, तो आपको इसके लिए 5 मार्क्स मिल सकते हैं। एक्सपीरियंस के आपको 8 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक साल के एक्सपीरियंस के लिए 0.5 मार्क्स रखे गए हैं, और मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकते हैं 16 साल तक के एक्सपीरियंस की, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस पर एक बार नज़र जरूर मारिएगा। और जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे वो इशू हुए होने चाहिए ऑर्फन्स यानी अनाथ के लिए तहसीलदार से, विडो सर्टिफिकेट तहसीलदार से, जो जनजाति है वो भी तहसीलदार ऑफिस से बना होना चाहिए। इसको आप फर्दर स्टडी कर लीजिए एक बार, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, तो टोटल वैकेंसी और पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन है। 101 पोस्ट कोड पीएन के लिए है, जिसकी लगभग 7,000 के आसपास वैकेंसीज है। बेल्डर की 34-14, ये आप मोस्टली आप डिटेल्स देख सकते हैं, ये आपके सामने हमने रखी है। तो प्लीज़ आप इस पर एक बार अपनी नज़र मार लीजिएगा और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए इस एग्ज़ाम के लिए। फर्स्टली इस एग्ज़ाम को आप भर ले, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए अपलोड करने के लिए, तो स्कैन कॉपी चलेगी आपकी 10वीं के सर्टिफिकेट की। आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो आपको स्कैन करके इसमें लगाना है, ठीक है। डोमोसिल हरियाणा का लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगाना है स्कैन करके आपको, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, फोटो साइंस जो होंगे वो भी आपको लगाने हैं उसमें, ठीक है। इन चीज़ों की ज़रूरत है तो आप इसको उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जो आपको बताना चाहूँगा,
कि जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको इसमें जॉब मिल सकती है, तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में भी मैं आपके सामने इसको रखता हूँ। तो ये देखिए, ये है आपके डिपार्टमेंट, टोटल 74 डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन ग्रुप डी पोस्ट, तो उनके डिपार्टमेंट कोड हैं ये, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये आपके सामने शो रहे हैं, और टोटल 74 डिपार्टमेंट्स हैं। इनमें से किसी एक में आपको इसमें जॉब करने का सरकार मौका दे सकती है। और हमारे जो ये डाटा है, ये ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से हमने आपके सामने पेश किया है। होपफो ये डाटा बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, बट हाँ आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो इससे रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।